तो भाई साहब आप हर साल आते हैं इधर, तो बेचाकुना अच्छा ही होता है। देवी माँ के करीब आ चुके हैं पंडित लोग, जा रहे हैं। मैं आपका अपना वेस्टर्न प्रधान, आज हमने जा रहे हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए, जो कि इसका एक मकसद भी है कि हमने देवी माँ के चरण में मन्नत रखा था कि अगर हमारा बेटा हो जाता है तो हम देवी माँ के चरण में 3 साल कबूतर उड़ाएंगी। तो 1 साल हमने उड़ा लिया, आज ये दूसरा साल जो है हम उड़ाने जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अभी हमारा नज़दीक जो बड़ा दुर्गा पूजा है मोनावारी, वीडियो को पूरा देखिएगा। हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम गेट के बाहर खड़े हैं, आप चलेंगे अंदर देवी माँ के दर्शन करने के लिए। ये हम भगवान के चरण में चढ़ाने के लिए प्रसाद जो है तैयार कर रहे हैं। ये हमारा दोस्त है, इन्होंने दुकान लगा रखा है पूजा सामग्री का। तो कुल मिला के हमारा थाल ये पूजा के आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, ठीक है। ये पूजा मंडप के बाहर हम खड़े हैं, अब हम पूजा मंडप के अंदर जाएंगे और देवी माँ के दर्शन करेंगे। ये अंदर का हिस्सा है दुर्गा पूजा का, मोनावाड़ी का पंडाल है। अब हम डायरेक्ट देवी माँ के पास जाएंगे और कबूतर उड़ाएंगे, माँ के दर्शन करेंगे। आप देवी माँ के करीब आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये पंडित है, पंडित लोग जा रहे हैं। ये घंटी है बड़ा वाला, अब हम आगे का प्रक्रिया भी आपको दिखाने चाहेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा दुर्गा पूजा में हम उपस्थित हैं। ये जो पर्दा लगा हुआ है इसमें रात को पिक्चर होगा, दुर्गा पूजा के मेला में ही फिल्म होता है, इसी पर्दा में फिल्म दिखाया जाएगा। तो हमारे यहाँ मेला में फिल्म भी होता है ऐसे। इधर पूजा में मेला लगा हुआ है, ये कप प्लेट का दुकान है, बड़ा बड़ा सेट है, बढ़िया सेट है, किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से कप प्लेट भी ले सकता है। और इधर स्टेशनरी दुकान है, जो आप देख सकते हैं ज्वेलरी, सारा ज्वेलरी आइटम है। ये मेले में तमाम लोग है और बड़े से बड़े दुकान लगा हुआ है। इधर खिलौना आइटम है, एक से एक खिलौना आइटम, म्यूजिक बज रहा है, डीजे बज रहा है। ये देखिए खिलौना का दुकान, एक से एक खिलौना मिल जाएगा यहाँ। इधर फोटो का दुकान है और साथ साथ और भी सामान है। इधर बहुत सारा खिलौना तो आया हुआ है और बच्चे लोग भी आए हैं खरीदने के लिए, लेकिन बारिश होने के कारण थोड़ा बिजनेस रुका हुआ है। जैसे बारिश छूटेगा ये फिर इधर इतना आदमी हो जाएगा कि दुकानदार को मुश्किल हो जाएगा संभालने। इधर देखिए फूल का गुलदस्ता, इधर फूल ही फूल देखने की मिलेगा इस मेले में। इधर देखिए बंदूक वगैरह का दुकान है, AK-47 भी मिल जाएगा यहाँ। इधर सारा ज्वेलरी का आइटम है, इस तरफ सारे ज्वेलरी का आइटम है। ये सारा नौगांव डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, इनसे बात करके पता चला, लेकिन बारिश के वजह से थोड़ा मन में, इतना दूर से आने के बाद भी थोड़ा मन में अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई साहब आप हर साल आते हैं इधर, तो इस बार बारिश के वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हर साल तो आपको बेचाकुना अच्छा ही होता है, लेकिन अच्छा तो इनके मुँह से सुन लीजिए आप, बारिश के खातिर आदमी नहीं आए। हम उम्मीद करते हैं कि बारिश दुर्गा माँ जल्दी से जल्दी हटा दें और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए। ये सारे ज्वेलर का आइटम लेके सब नौगांव से आए हैं, ये नौगांव का पार्टी है सब। जितना आप देख रहे हैं ज्वेलर आइटम है, सब नौगांव का पार्टी है।
तो बड़ी उम्मीद करके आए हैं बहुत दूर से कुछ बेचा किना हो जाए बोल के। अब बारिश हो रही है, धीरे धीरे कस्टमर आ रहे हैं लेकिन उतना कस्टमर नहीं है। उम्मीद करते हैं बारिश छूटेगा तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ये देखिए सारा ज्वेलरी आइटम है, इधर सारा सूट्स का बाजार है, इधर पान का दुकान है। बनारस पान तो नहीं है, हमारा आसाम का बढ़िया पान है, आप इसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो हम लोग खाएंगे मेले में चाउमीन, ये गर्मा गर्म बोल रहा है हमारे लिए चाउमीन। तो आखिरकार हमने पूरे मेला घूम लिए और माँ के दर्शन भी कर, लास्ट में हम खरीदते हैं मिठाई, ये ले रहे हैं गर्मा गर्म जिलेबी। तो इधर सारा मिठाई का ही दुकान है, तो हमने ले लिया अब जिलेबी, चलते हैं घर। हमारा मुनाबाड़ी का दुर्गा पूजा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।